नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और विभिन्न लेखकों ने या उनके समूहों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया, जो लिखा, उसमें क्या कमियां थी और क्या उसमें खूबियां थी, इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। और आपको बता देता हूं कि अभी परीक्षा का जो पैटर्न चल रहा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट, इसके एग्जाम्स में जो प्रश्न आ रहे हैं वे बहुत ही, अगर आप डीप स्टडी करते हैं तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इसलिए आपका विस्तृत अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इसमें से निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में 5-6 प्रश्न अनिवार्य रूप से आ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, कैसे यह शुरू हुई और आज किस स्थिति में पहुंची है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1000 जब ईस्वी शुरू हुआ तब हिंदी साहित्य भी शुरू हुआ। इसके बावजूद भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो वास्तविक सूत्रपात है वह 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मतलब 19वीं शताब्दी से सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन शुरू हुआ। यद्यपि मध्यकाल मतलब भक्ति काल में रचित वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसके लेखक हैं गोसाई गोकुलनाथ, इन्होंने ब्रजभाषा में इसे लिखा है। उनकी दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता, यह भी गोसाई गोकुलनाथ ने लिखी है ब्रजभाषा में। और तीसरी है भक्तमाल नाभादास, इनमें भी उस समय जो विद्यमान जो कवि थे उनकी रचनाओं और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन मिल जाता है। किंतु इतिहास लेखन के जो सबसे प्रमुख चीज क्या होती है, काल क्रमानुसार वर्णन करना। मतलब समय जो काल होता है, विभिन्न कालखंड होते हैं, काल क्रम होता है, उसके हिसाब से इनका वर्णन आवश्यक होता है इतिहास में। लेकिन इन वार्ता ग्रंथों में इसका कोई प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ कवियों का परिचय दिया गया है और उनके रचनाओं का परिचय दिया गया है। काल क्रम के हिसाब से यह वर्णित नहीं है, जो कि इतिहास की पहली आवश्यकता है, इसलिए इसे हम इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सबसे जो पहला प्रयास किया है वह एक फ्रांसीसी विद्वान ने किया है, जिनका नाम था गार्सा दत्तासी। तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए आश्चर्यजनक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया और इनकी रचना का नाम है इस्तवार दला लित्रयत्रुल एंदुस्तानी। मतलब फ्रांसीसी नाम है, थोड़ा कठिन है, इस्तवार दला लित्रयत्रुल एंदुस्तानी। इसकी रचना दो भागों में उन्होंने की थी, जिसका पहला भाग तो प्रकाशित हुआ था 1839 ईस्वी में और इसका दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के बहुत सारे कवियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है, उल्लेख किया है और इनका विवरण इन्होंने वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया है। वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे हम डिक्शनरीज में जो शब्द देखते हैं, शब्द कोश में जो शब्द देखते हैं, इसलिए इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका वर्णन किया है। और इस ग्रंथ में भी बहुत सारी कमियां हैं क्योंकि यह पहला प्रयास था। तो यद्यपि गार्सा दत्तासी के इतिहास में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई काल विभाजन नहीं किया, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसा कोई काल विभाजन नहीं किया। कवियों का काल क्रम के हिसाब से वर्णन नहीं किया, जो कि इतिहास के लिए जरूरी है। और जो युगीन परिस्थितियां थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो परिस्थितियां थी, उनका विवेचन विश्लेषण नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सबसे खासियत क्या थी, पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, साथ ही कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं है। तो यह माना जाता है आज कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास किया फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया और उनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लित्रयत्रुल एंदुस्तानी। अब बहुत सारी इसमें कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है यह आपको याद रखनी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव इसे प्राप्त है। तो यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा में प्रथम ग्रंथ किसे का गौरव किसे प्राप्त है इस्तवार दला लित्रयत्रुल एंदुस्तानी।
अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह देख लेते हैं। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्णक्रम से दिया गया है। इसमें केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित हैं। तो इन्होंने उर्दू कवियों को भी इसमें शामिल किया। हिंदी के कवि बहुत कम है, सिर्फ 72 कवि हैं, और उर्दू के कवि हो सकते हैं 700, बाकी जो कवि हो सकते हैं उर्दू के कवि हो सकते हैं, इनमें केवल हिंदी के 72 हैं और यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। दूसरा यह क्या है, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तीसरा है, एंदोई का अर्थ है हिंदुई अथवा हिंदी, और एंदोस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी उर्दू, यह भी ध्यान में रखना है। इसको प्रकाशित किसने किया था, इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, यह इसकी सबसे बड़ी कमी थी। और यह दो भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग है 1839 ईस्वी में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, 1847 ईस्वी में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ, और इसका एक दूसरा खंड, एक और वॉल्यूम आया था बाद में 1871 ईस्वी में, जिसमें इसे तीन भागों में बांट दिया गया था। और यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर, जो भारतीय विद्वान है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों से संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। ये जो ऑडियो विजुअल जो आपका इफेक्ट रहता है आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहता है, मैं जानता हूं आप ये किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, इसलिए आप इसको देखते रहें अत्यंत ही धैर्य के साथ, क्योंकि इसमें से आपको 5-6 प्रश्न निश्चित रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में मिलेंगे, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है राजस्थान पीएससी, एमपीपीएससी या फिर अन्य स्टेट्स के, उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरे विद्वान है शिव सी सेंगर, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी कृति प्रस्तुत की, और इसका नाम है शिव सिंह सरोज, और इसकी रचना उन्होंने की थी 1883 ईस्वी में, और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित और उनके साहित्यिक कृतियों और कविता के उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया वह क्या किया, उन्होंने प्रायः सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है। रचना काल क्या है, जन्म काल क्या है, जिसमें से यद्यपि बहुत सारे कवि आज हमें स्मरण में नहीं आते, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास लेखन के लिए जो चीज जरूरी होती है तटस्थता, तटस्थ रहना। इतिहास लेखक तटस्थ रहता है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता, पर्यवेक्षण उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, एवं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसकी क्षमता की अपेक्षा की जाती है, किसमें, इतिहास लेखन में, उसका नितांत अभाव इस ग्रंथकार में दिखाई देता है। तो यह भी कोई बहुत अच्छा प्रयास नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे लिए आज हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अनेक त्रुटियों से युक्त होने के बावजूद भी जो सी सी सरोज है इसमें तत्कालीन समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास क्या किया इन्होंने, हिंदी के जो कवि थे, हिंदी के कवियों को एक ही जगह एकत्र करने का इन्होंने प्रयास किया, और प्रवर्ती इतिहासकारों ने इस ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग किया और अपने इतिहास ग्रंथों की रचना भी की। इस प्रकार यह ग्रंथ एक विशाल ग्रंथ है, और इसकी महत्व आज भी निर्विवाद रूप से मानी जाती है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम देखते हैं शिव सिंह सरोज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित है, यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1883 यह 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया था, और इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से अधिक, लगभग 1003 कवियों का विवरण दिया गया है। इसी से यह बात के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा, 1000 हिंदी कवियों का विवरण इसमें दिया गया है। तीसरा है, इसके पूर्वार्ध में मतलब फर्स्ट हाफ में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने दिए गए हैं कि किस प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी, किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की, और उत्तरार्ध में सेकंड हाफ में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। जीवन परिचय तो सभी कवियों को सेकंड हाफ में दिया गया है। और इसमें भी क्या है, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, डिक्शनरी की तरह इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखा है, और इसमें भी काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। तो सही मायने में इसे भी हम इतिहास नहीं मान सकते, क्योंकि काल विभाजन इन्होंने नहीं किया और नामकरण का भी प्रयास नहीं किया, लेकिन इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। लेकिन यह एक टर्निंग पॉइंट था, इनका भी प्रयास बेकार नहीं गया, क्योंकि इन्होंने 1000 लगभग हिंदी कवियों को एक जगह एकत्र कर दिया,
इसलिए इनका जो प्रयास है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक दिशा मिल गई और इसीलिए इसे कहा जाता है टर्निंग पॉइंट, प्रस्थान बिंदु। इसके बाद जो अगले विद्वान आते हैं वो हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या फिर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दोनों नाम मिलते हैं अलग अलग किताबों में, तो इस ग्रंथ का प्रकाशन इन्होंने किया। इसका प्रकाशन इन्होंने किसमें किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका उसमें प्रकाशित हो रही थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेष अंक के रूप में इस इतिहास का उन्होंने प्रकाशन किया। और अनेक विद्वान, कई भारतीय विद्वान ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हुए इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख है। उनका कहना है इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया। आगे हम पढ़ेंगे क्यों माना गया। तो किशोरीलाल गुप्त जी कहते हैं कि इस ग्रंथ को ही वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहास माना गया। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है, साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो यह प्रथम ग्रंथ क्यों माना जाता है सही मायने में? क्योंकि इसमें कालक्रम में वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग काल को वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, जो समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इन परिस्थितियों तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है, टेंडेंसी पर भी प्रकाश डाला गया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है। उन्होंने उर्दू या अपभ्रंश या अन्य भाषाओं के कवियों को इसमें स्थान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ हिंदी कवियों को स्थान दिया। संस्कृत और संस्कृत के जो कवि थे, प्राकृत अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी की परिधि से बाहर निकाल दिया, यह भी उनका महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही अरबी, फारसी एवं उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है कि साहित्य में, इसमें उन्होंने, इस इतिहास में उन्होंने केवल हिंदी साहित्य के कवियों को ही शामिल किया है। और इससे क्या फायदा हुआ? आने वाले जो रचनाकार थे, इतिहासकार थे, उनका योगदान इस बात में है कि इन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए, जो बाद में जो इतिहास लेखक हुए, उनके लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग क्या है प्रशस्त कर दिया, एक रास्ता बना दिया। और हिंदी कवियों में किस कवि को स्थान मिलना चाहिए, किस कवि को स्थान नहीं मिलना चाहिए, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसका इन्होंने समाधान कर दिया। इसलिए बाद के जो इतिहासकार हुए उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला। लेकिन ग्रियर्सन ने इस कृति की रचना करने के लिए, इस इतिहास को लिखने के लिए किसकी किसकी सहायता ली थी? श्री सी सिंगर, गार्सद अतासी द्वारा एकत्र की गई सामग्री का इन्होंने प्रयोग किया, साथ ही वार्ता साहित्य से भी इन्होंने संदर्भ ग्रहण किया और जहां जहां जरूरी था वहां उनकी उन्होंने सूचना भी दी और अपने इस इतिहास को अधिक प्रामाणिक बनाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन ग्रियर्सन का यह ग्रंथ किसमें लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था तथा इसे इन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया है। इन्होंने 11 अध्यायों में इन्होंने विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, जो कि इतिहास के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी इस इतिहास ग्रंथ में किया। युगीन प्रवृत्तियां मतलब राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार जो भी प्रवृत्तियां उस समय विद्यमान थी उसका भी इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ में विवेचन किया। और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है वो यह है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे पहले विद्वान हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। उनके इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसकी रचना उस समय हुई जब हिंदी की सामग्री इधर उधर बिखरी हुई थी, हिंदी साहित्य का, और प्रॉपर उस पर अध्ययन नहीं किया गया था, विचार विमर्श उस पर नहीं किया गया था और न ही हिंदी अनुसंधान एवं आलोचना की कोई दिशा मिल पाई थी और जो किसी भी इतिहास लेखक को सामग्री उपलब्ध करा पाता। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हिंदी साहित्य का बहुत ही बेहतरीन इतिहास लिखा। अब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या फिर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेष अंक के रूप में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। तो हिंदी साहित्य सही मायने में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास यही है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को
संस्कृत पाली प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। तो यह इन्होंने शुद्धता पूर्वक सिर्फ और सिर्फ हिंदी के कवियों को इसमें शामिल किया था, बाकी अपभ्रंश संस्कृत अरबी फारसी पाली प्राकृत सबको इन्होंने अलग कर दिया था, उर्दू को अलग कर दिया था। चौथा है, इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया। उन्होंने कवियों के कालक्रम का भी निर्धारण किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी निर्धारित किया, जो कि इतिहास ग्रंथ की रचना के लिए अपेक्षित होता है। तो इन सभी मापदंडों पर यह ग्रंथ खरा उतरता है। इसके बाद संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया है। तो इन्होंने कालखंड के हिसाब से, प्रवृत्तियों के हिसाब से 11 अध्याय में विभक्त किया है और प्रत्येक अध्याय का नामकरण भी किया है, जो कि इतिहास लेखन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण का आधार शिवसिंह सरोज से। इन्होंने शिवसिंह सरोज से 886 कवियों के नाम और उनके रचनाएं को लिया है। इसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बता चुका हूं ऊपर, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल का समय 16वीं शती से 17वीं शती को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। जैसे विक्रम संवत बोलते हैं, विक्रम संवत से यदि आप 57 वर्ष घटा देते हैं -57, तब आपको ईसवी सन प्राप्त हो जाता है। मतलब जो विक्रम संवत है वह ईसवी सन से 57 वर्ष अधिक होता है। इसके बाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है, क्योंकि इसे ही सही मायने में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इसमें कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है और विभिन्न अध्यायों और विभिन्न प्रवृत्तियों का अच्छी तरह से विवेचन किया गया है। इसके बाद जो चौथा प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, मैं महत्वपूर्ण किताबों को बता रहा हूं, छुटपुट रचनाकारों के बारे में मैंने यहां पर चर्चा नहीं किया है। तो मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन भाइयों को मिलाकर कहते हैं मिश्र बंधु। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद और इनकी रचना चार भागों में की गई है, जिनमें से प्रथम तीन भाग तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे तथा चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। तो मिश्र बंधु विनोद यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इससे कुछ संदर्भ लिए थे। तो मिश्र बंधु विनोद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या है अब तक की। और इस इतिहास ग्रंथ में क्या किया गया, काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया और विभिन्न कालखंड के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व को भी उजागर किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है, एक कालखंड के दो कवियों का या फिर विभिन्न कालखंड के कवियों का उन्होंने तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया है और इसे बहुत ही रोचक बनाने का प्रयास किया है। तो बाद के इतिहासकारों ने मिश्र बंधु विनोद से सामग्री इकट्ठा करके लेकर सामग्री लेकर अपने इतिहास और भी अच्छे इतिहास ग्रंथों की रचना की। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो नीचे कथन मैंने दिया हुआ है, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्वीकार किया है कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ मतलब मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने स्वयं यहां पर स्वीकार किया है, उन्होंने उनके मन में धन्यवाद का भाव है, कृतज्ञता का भाव है और उन्होंने लिखा है कि रीति काल के कवियों का परिचय देने के लिए मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। तो समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम इसके बारे में स्मरणीय तथ्य देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद जिसके पहले तीन भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके प्रथम तीन भाग 1913 ईस्वी में, चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें 4591 मतलब लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया। तीसरा है, यद्यपि जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया जा चुका था, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। तो इन्होंने भी इसको विभाजित किया। और ये वाला जो प्रश्न है प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है या फिर शामिल है। तो मिश्र बंधु, तीन भाइयों को मिलाकर हम मिश्र बंधु कहते हैं, गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इन तीनों नामों को आप याद कर लें क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो अभी तक सबसे बड़े इतिहासकार हुए हैं हिंदी साहित्य के, और जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हुए हैं उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अत्यंत सम्मानजनक ढंग से लिया जाता है और इनका नाम सर्वोपरि है। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इन्होंने वास्तव में हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था बल्कि भूमिका लिखी थी हिंदी शब्द सागर की। और आचार्य शुक्ल का ये जो सेंटेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपको जरूरी है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो वे यहां पर परिभाषित करते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। जो जनता की जो टेंडेंसी होती है, जो जनता के फीलिंग्स एंड इमोशंस, उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, जो टेंडेंसीज होते हैं, या फिर उस समय की जो राजनीतिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं, जो टेंडेंसीज होती है, और लोगों के मन में जो टेंडेंसीज जो प्रवृत्ति विद्यमान होती है, उनको जब हम एक जगह कलेक्ट कर देते हैं तब क्या बन जाता है, वह साहित्य बन जाता है। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, जिसमें साहित्य वह होता है जिसमें पूरा समाज प्रतिबिंबित होता है। उसी प्रकार प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहां की जनता की टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी चित्रवृत्तियों को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे जैसे उनके टेंडेंसीज में परिवर्तन होता है, उनकी प्रवृत्तियां परिवर्तित होती हैं, सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक, और जनता की प्रवृत्तियां उनकी टेंडेंसी जैसे चेंज होती है, वैसे ही साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चलता है। और इन्हीं प्रवृत्तियों को शुरू से अंत तक जब हम अध्ययन करते हैं कि इसमें किस प्रकार से समय के अनुसार परिवर्तन आते जाता है प्रवृत्तियों में, और किस प्रकार से साहित्य बदलता जाता है, जब हम उसको और साहित्य की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनके साथ जब हम उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए चलते हैं, तब वही हिंदी साहित्य का या फिर किसी भी साहित्य का इतिहास कहलाता है। जैसे वर्तमान समय में जो साहित्य लिखा जाता है तो उसमें वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक, उनका वर्णन किया जाएगा। अभी कोई लिटरेचर लिखेगा तो इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप गूगल इन सब चीजों का लिखेगा, जो भी परिस्थितियां हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार हो चुके हैं, मिशन चंद्रयान है, जो भी हो रहा है अभी, तो उसी प्रकार आदिकाल में जो परिस्थितियां थी उस समय अलग परिस्थितियां थी, लोगों की टेंडेंसीज अलग थी, भक्ति काल में अलग टेंडेंसीज थी, रीति काल में अलग टेंडेंसीज अलग प्रवृत्तियां थी जनता की, आधुनिक काल में अलग प्रवृत्तियां हैं। तो शुरू से अंत तक इन टेंडेंसीज का आकलन करना और परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना, यह कहलाता है हिंदी साहित्य का भी इतिहास। उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती है वैसे वैसे लोगों की प्रवृत्तियां बदलती जाती है, और उसी के हिसाब से साहित्य भी बदलता जाता है, क्योंकि साहित्यकार जो होता है वह भी समाज का ही हिस्सा होता है। और उन्होंने अपने इतिहास में इस धारणा का सर्वत्र इन्होंने प्रतिबिंबन किया है, और उन्होंने प्रत्येक कालखंड के युगीन परिस्थितियों का सम्यक विवेचन करते हुए तत्कालीन प्रवृत्तियों की चर्चा की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तत्कालीन युगीन परिस्थितियां थी, सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक, इन सब का विवेचन करते हुए काव्य प्रवृत्तियों का निर्धारण किया है। और शुक्ल जी का जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है वह है काल विभाजन में। यद्यपि मिश्र बंधु और दर्शन ने भी काल विभाजन का प्रयास किया, परंतु वे प्रयास अधिक सफल नहीं माने जा सकते। और इन्होंने ये इनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि इन्होंने यह कथन किसके लिए कहा था। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो जो वृत्त संग्रह, इन्होंने मिश्र बंधुओं की जो इतिहास है उसे वृत्त संग्रह कहा है, या उनके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए इसको इन्होंने वृत्त संग्रह कहा है, यह संज्ञा इन्होंने इनको प्रदान की है, यह भी परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। मतलब इन्होंने वास्तव में जो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल मध्यकाल पूर्वकाल उत्तरकाल उत्तर मध्यकाल इत्यादि में विभाजित तो कर दिया, लेकिन इससे जो समकालीन प्रवृत्तियां हैं साहित्य की
उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि किस प्रकार की प्रवृत्तियां विद्यमान थी, इसलिए इसे केवल वृत्त संग्रह कहा जा सकता है, इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। तो उन्होंने इसकी आलोचना कर दी है। अब उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को चार कॉलम में विभक्त कर नया नामकरण किया है और उन्होंने दो दो नाम दिए हैं, आप कह सकते हैं, पहला आदिकाल या वीरगाथा काल। वास्तव में उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कर दिया था। तो वीरगाथा आदिकाल या वीरगाथा काल, इन्होंने दो दो नामकरण किए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दो दो नामकरण किए। आदिकाल या वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। तो ये विक्रम संवत में जब आप 57 घटा देंगे, 57 ईयर जब आप इसमें घटा देते हैं तब आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। विक्रम संवत से जब आप 57 वर्ष घटा देते हैं तब आपको ईस्वी सन प्राप्त होता है। तो आदिकाल या वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल या गद्यकाल, 1900 से 1984 विक्रम संवत। उनके इस काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार भी है, कुछ मजबूत आधार पर इन्होंने इसका काल विभाजन किया, क्योंकि किसी विशेष कालखंड के भीतर जिस प्रवृत्ति की प्रचुरता दिखाई दी, जिस प्रवृत्ति में के अनुसार प्रचुर मात्रा में रचना लिखी गई, उसे एक अलग कालखंड उन्होंने माना और उसका नामकरण उन रचनाओं के आधार पर किया। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ग्रहण किया। तो किसी कालखंड की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए कि किस प्रकार की रचनाएं किस प्रकार की प्रवृत्ति पर आधारित हैं, उसके लिए उन्होंने जो उस समय प्रसिद्ध ग्रंथ थे उनका उन्होंने हेल्प लिया, सहारा लिया। शुक्ल जी का यह काल विभाजन अत्यंत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, इसे हम आज भी स्वीकार करते हैं क्योंकि यह सरलता और स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ और बाद के जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस काल विभाजन को स्वीकार कर लिया है। इसमें शुक्ल जी ने जो नामकरण किया था उसमें सर्वाधिक जो विवाद था वह वीरगाथा काल के नाम पर हुआ, लेकिन अन्य जो नाम थे उसे अन्य इतिहासकारों ने, बाद में आने वाले इतिहासकारों ने जो कहते हैं स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा दो भागों में विभक्त किया उन्होंने भक्ति काल को। इसके बाद पुनः उन्होंने निर्गुण और सगुण भक्ति धारा को दो दो भागों में विभाजित किया है। जैसे निर्गुण भक्ति धारा को उन्होंने विभाजित किया ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा में उन्होंने विभाजित किया था निर्गुण को, और इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को उन्होंने राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा इसमें दो भागों में विभाजित किया, निर्गुण को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय और सगुण को राम भक्ति धारा एवं कृष्ण भक्ति धारा में इन्होंने विभाजित किया। इसी प्रकार उन्होंने रीतिकाल को भी वर्गीकरण में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया और रीतिकाल को उन्होंने तीन भागों में विभाजित किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। और इसी प्रकार उन्होंने जो रीतिकालीन कवि हैं जिन्हें प्राय आचार्य कहा जाता था उनके आचार्यत्व पर भी सूक्ष्मता से विचार विमर्श किया कि वे आचार्य कहे जाने के योग्य हैं कि नहीं है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय की थी जब हिंदी में अनुसंधान और आलोचना की सिर्फ शुरुआत हुई थी, ज्यादा काम नहीं हुआ था। उस समय बहुत सारे विवादास्पद प्रश्न थे जो बहुत ही उलझे हुए थे और उस समय ऐसा था कि हिंदी की बहुत सारी अप्रमाणिक कृतियां, अप्रमाणिक सामग्री को भी प्रमाणिक मान ली गई थी, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उनका गहनता से विवेचन किया, विचार विमर्श किया, सूक्ष्म विश्लेषण किया और उनके बाद उन्होंने जो प्रश्न, जो निष्कर्ष निकाला, जो सार निकाला, उस पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना असंभव है। मतलब बहुत ही गहन विश्लेषण करके उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए थे। तो वस्तुतः शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की रचना करके एक मापदंड निर्धारित किया था, एक नाम बनाया था और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिमूलक इतिहास प्रस्तुत किया था। प्रवृत्तिमूलक मतलब आदिकालीन की प्रवृत्ति अधिक अलग थी, भक्ति काल की प्रवृत्ति अलग थी, रीति काल की प्रवृत्ति अलग थी और आधुनिक काल की प्रवृत्ति अलग थी, इसलिए इनके इतिहास को प्रवृत्तिमूलक इतिहास भी कहा जाता है। और उन्होंने कवियों के जीवन परिचय को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जितना कि उन्होंने उनकी रचनाओं के मूल्यांकन करने में अपना समय दिया और उनका मूल्यांकन किया। और यही नहीं, उन्होंने कवियों के साहित्यिक महत्व को पहचानने के उपरांत ही उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें स्थान दिया, किसी भी कवि को शामिल नहीं कर लिया। इसीलिए यह हुआ कि मिश्र बंधु ने जहां 5000 कवियों को स्थान दिया था, उसके बजाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 1000 कवियों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है। और आचार्य शुक्ल
नौ नौ मेषशालिनी प्रतिभा के धनी थे। इसका तात्पर्य है उनके दिमाग में नए नए विचार आते थे, जिसको हम इनोवेटिव आइडियाज कहते हैं। उन्होंने नए नए विचार, नए नए तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिन्हें काट पाना आज भी मुश्किल है। उनमें प्रौढ़ विवेचना शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी, जो किसी भी इतिहास लेखक के लिए आवश्यक है कि वह चीजों पर प्रॉपर गहनता से, सूक्ष्मता से उस पर विचार विमर्श करे, विवेचन करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फिर निष्कर्ष तक पहुंचे। इसलिए वे एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर पाए जो आज भी अपने क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। उन्हें बहुत ही श्रद्धा से हम स्मरण करते हैं और प्राय प्रतियोगी परीक्षा में उनके कम से कम 8-10 प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया 1929 ईस्वी में, उसमें प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 9-10 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस किताब को आप ध्यान से 2-3 बार जरूर पढ़ लें। इससे न केवल आपका दृष्टिकोण विकसित होगा, बल्कि आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आज आचार्य शुक्ल जी के कहे गए एक एक वाक्य को आधार बनाकर शोध कार्य किए जा रहे हैं, पीएचडी किए जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं और उनके द्वारा लिखी गई प्रत्येक पंक्ति के मूल्यांकन का प्रयास किया जा रहा है। तो बाद में जितने भी इतिहास लेखक हुए हैं, उन्होंने शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को अपना आधार बनाया है तथा इन कृतियों का मूल्यांकन भी शुक्ल जी के इतिहास को मापदंड बनाकर किया जाता रहा है। मतलब बाद में जो रचनाएं लिखी गई उनका भी जो मूल्यांकन होता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को मापदंड बनाकर वर्तमान की कृतियों का मूल्यांकन किया जाता है। एक इतिहास के लेकिन एक इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप से सर्वोपरि हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि वे एक आलोचक थे, इसलिए कहीं कहीं पर उनका आलोचक रूप ज्यादा प्रखर हो जाता है और ऐसे स्थानों पर वे ज्यादा तटस्थ नहीं रह पाते, बल्कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, यह उनकी कमी है। उदाहरण के लिए वे गोस्वामी तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं और इन्हीं को मापदंड बनाकर वे दूसरी कवियों के गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं, उनके महत्व का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं। और इसका नुकसान क्या हुआ, अन्य कवियों को हुआ और वे कबीर के प्रति न्याय नहीं कर पाए, ऐसा माना जाता है। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था, तब से लेकर अब तक एक लंबा अंतराल व्यतीत हो चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है और इस दीर्घ अवधि में हिंदी में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुए हैं, रिसर्च वर्क हुए हैं और नई नई बातों का हमको पता चला है। इनसे प्राप्त निष्कर्षों का समावेश भी यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य में कर दिया जाए तो यह और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आपको याद करना है। तो यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह इसे लिखा गया था। इसके बाद इस भूमिका को पहले क्या नाम दिया गया था, हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है, जिसे आज भी हम बहुत ही श्रद्धा से पढ़ते हैं। तीसरा, इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त के बजाय, उनके जीवन परिचय के बजाय, उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। जीवन परिचय पर ज्यादा जोर न देते हुए उनकी रचनाओं की विशिष्टता पर जोर दिया गया है। इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। विधेयवादी क्या है, विधेयवाद मतलब होता है प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद, अथवा आप कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, अपना अनुमान नहीं लगाना, बल्कि विद्यमान जो परिस्थितियां हैं, जो विद्यमान जो तथ्य हैं, उसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, इसे कहा जाता है विधेयवादी। और इसके आधार पर उन्होंने तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का विश्लेषण और विवेचन करने का प्रयास किया। और पांचवा, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया। तो उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया, बल्कि उसे क्या नाम दिया, पूर्व पीठिका। इसके बाद जो छठवा है, इन्होंने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, छठवा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया है कि परवर्ती इतिहास ग्रंथ में प्रायः उसका उपयोग किया गया। तो इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने काल विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है प्रवृत्तियों के आधार पर, क्योंकि बाद में जो आने वाले इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया है, श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर इसे स्वीकार कर लिया है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावादी कवि हैं, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा मूलतः छायावादी कवि हैं, इन्होंने नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। यद्यपि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी दो भागों में प्रकाशित करने की योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास किया था, दो भागों में हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था, जिसमें से जो इनका एक भाग है, प्रथम भाग
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, या इन्होंने लिखा और 1938 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। लेकिन इसमें क्या है, इस इतिहास में केवल आदिकाल और भक्तिकाल, मतलब सन 693 ईस्वी से सन 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित इसमें किया गया है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अच्छा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने केवल आदिकाल और भक्तिकाल अर्थात सन 693 ईस्वी से सन 1693 ईस्वी तक के कालखंड को ही इसमें स्थान दिया है, लेकिन बाद में कोई दूसरा भाग लिख नहीं पाए। और वर्मा जी के इस लेखन का प्रमुख आधार भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास रहा, उसी के आधार पर उन्होंने लिखा, और थोड़ा बहुत इन दोनों के मतों में अंतर भी है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे वीरगाथा काल कहा है उसे इन्होंने चारण काल कहा है, और जिसे उन्होंने पूर्व पीठिका कहा है अपभ्रंश काल को उसे इन्होंने संधि काल नाम दिया है। तो यह आपको अंतर ध्यान में रखना है। इस प्रकार आदि काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया है, और वस्तुतः उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया है। अपभ्रंश में जो लिखी गई रचना है उसको भी उन्होंने हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया है, इसीलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर गए। स्वयंभू के अपभ्रंश के महाकवि हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी का कवि मान लिया और इसे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। और वर्मा जी कवि हृदय थे, अतः कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने सही हृदयता का परिचय दिया, खुद कवि थे तेसरे उनका मूल्यांकन में उन्होंने बहुत ही सिंपैथी के साथ सहृदय भाव से किया है। अपने सुबोधता, बहुत ही सरलता एवं शैली की कलात्मकता के कारण उनका यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ, बहुत ही फेमस बुक है, लेकिन इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। वे दूसरा भाग प्रकाशित नहीं करवा पाए, इसलिए इसमें केवल 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है, जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें आदिकाल से भक्ति काल तक का ही विवेचन है। अब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छायावादी कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में अपनी उनकी कव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था, क्योंकि कवि हृदय है तो इस प्रकार उन्होंने बहुत ही सरस शैली में इसे लिखा हुआ है, जिसने पाठकों को आकर्षित किया, बहुत प्रसन्न किया। अपनी विस्तृत सामग्री है, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा, भले ही अधूरा ग्रंथ है लेकिन यह बहुत ही लोकप्रिय है। दूसरा, इसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल मतलब 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी यह परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, इस तक की अवधि को ही स्थान मिला है, इससे आगे का भाग वे नहीं लिख पाए हैं। इसके बाद उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को इन्होंने संत काव्य की संज्ञा दी है, संत काव्य नाम दिया है, और निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को इन्होंने सूफी काव्य नाम दिया है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखें। और इसमें जो प्रत्येक बिंदु जो मैं उल्लेख कर रहा हूं प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, तो जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व पीठिका के नाम से उल्लेख करते हैं अपभ्रंश साहित्य को, उसे इन्होंने संधिकाल नाम दिया है, और इसलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया है, संधिकाल एवं चारण काल। वीरगाथा काल को चारण काल कहते हैं और अपभ्रंश काल को वे संधिकाल कहते हैं, दोनों को मिलाकर वे कहते हैं आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये देख उन्होंने व्यवस्थित तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा उसे भी हिंदी साहित्य का इतिहास मान लिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद यदि हिंदी साहित्य जगत ने किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका स्थान भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जैसा ही है, और जिन्होंने आदिकाल के संबंध में इनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाश में आई हैं, यद्यपि उन्होंने इन किताबों की रचना की है लेकिन पूरी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी थी 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कृतियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, जिस पद्धति के आधार पर इतिहास लिखा जाता है उस पद्धति को यदि हम ध्यान दें तो यह उस प्रकार का इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसमें जो स्वतंत्र अलग अलग जो इन्होंने लेख लिखे हैं वह हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री और नई व्यवस्था हमें उपलब्ध कराते हैं, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। वे एकमात्र ऐसे मतलब आलोचक हुए हैं या फिर इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी मान्यताओं का विरोध किया है, उनकी आलोचना की है, उसका विरोध किया है। तो
तो एक ऐसी शख्सियत है जो उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो स्थापनाएं थी उनका विरोध करने वाले एकमात्र शख्सियत थे। वे आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं, यथा शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहना उचित माना है उसे आचार्य द्विवेदी आदिकाल कहना उचित मानते हैं उनका, क्योंकि आदिकाल में अरबी विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी, केवल वीरगाथात्मक रचनाएं नहीं लिखी जा रही थी, विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी, इसलिए वे आदिकाल कहना ज्यादा पसंद करते हैं। और वीरगाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया है, रासो ग्रंथों के आधार पर, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसे पृथ्वीराज रासो को भी यह प्रामाणिक नहीं मानते आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक जो रासो ग्रंथ है उनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को वीरगाथा काल नाम दिया था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, इसलिए उन ग्रंथों के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहना उचित नहीं है बल्कि आदिकाल कहना ज्यादा उचित है, इसलिए क्योंकि वे उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि यह ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भक्ति काल के उदय का प्रमुख कारण माना था पराजित हिंदू जाति की निराशा, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, हिंदू जाति पराजित हो गई थी, इसलिए ईश्वर के शरण में जाने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ। मतलब निराशा और कुंठा और हताशा का दौर था, इसलिए ईश्वर के शरण में जाने के सिवाय हिंदुओं के पास, पराजित हिंदू जाति के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह भक्तिभाव में लीन हो गए। तो इस पराजय बोध को उन्होंने इसका भक्तिभाव के उद्भव का कारण माना भक्ति काल के। वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका खंडन किया और वे कहते हैं कि भक्ति का उद्गम इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ है बल्कि भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि हमारे भारतीय संस्कार में परंपराओं में पहले से विद्यमान थी। अगर अब मुसलमानों का यहां पर आक्रमण नहीं होता, तब भी अगर मुगलों का आक्रमण नहीं होता या फिर मुसलमान जो राजा थे उनका यहां पर आक्रमण नहीं होता, तब भी हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है शत प्रतिशत वैसा ही होता जैसा आज है। तो आचार्य द्विवेदी ने अत्यंत शोधपूर्ण मनन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि जो हिंदी का जो भक्ति काव्य है, हिंदी का जो संत काव्य है, विशेष रूप से संत काव्य, तो हिंदी का जो संत काव्य है वह पूर्ववर्ती नाद साहित्य सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। वे कहते हैं कि हिंदी का जो संत साहित्य है वह पहले से चली आ रही है नाथ काव्य परंपरा सिद्ध साहित्य उसी का विकसित रूप है, तथा हिंदी सूफी काव्य में भी ये हिंदी के सूफी काव्य की जो कथा वस्तु है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी कवि हुए हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, तो ऐसे ही जो हिंदी सूफी काव्य की जो कथा वस्तु है, जो रूढ़ियां हैं, जो रचना शैली है, जो छंद योजना है, वह भी रानी साहित्य से प्रभावित नहीं है बल्कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है। इस प्रकार उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं, जो उनके वक्तव्य हैं, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इसी प्रकार जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को कोई बड़ा कवि नहीं माना, मतलब उन्होंने कबीर की उपेक्षा कर दी क्योंकि वे तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने कबीर की उपेक्षा कर दी, उनकी अवहेलना कर दी, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की अवहेलना करने वाले आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी काव्य प्रतिभा को उजागर करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया। तो कबीर की प्रतिभा को उजागर करने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसलिए कबीर आज हमारे मन में बहुत ही महान कवि के रूप में विद्यमान है और उनके जो भजन है आज भी हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रातः सुनते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास से संबंधित हैं एवं इनमें एक निश्चित ही साहित्य दृष्टि मिलती है। तो भले ही इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा, लेकिन हमारे दृष्टिकोण को जरूर विकसित किया। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे, मतलब हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उसी से विकसित होते हुए हमको आज का हमारा साहित्य प्राप्त हुआ है, मतलब प्राचीन परंपराएं विकसित होते होते धीरे धीरे आज इस स्थिति में पहुंची हुई है। तो परंपरा का विकास कहते हैं वे हिंदी साहित्य के इतिहास को। उन्होंने विश्व भारती नाम का जो संस्था था उसके गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, मतलब विश्व भारती नाम की एक संस्था थी उसमें जो गैर हिंदी भाषा भाषी थे, गैर हिंदी मतलब जो तमिलनाडु या साउथ या अलग अलग जो प्रांत के होते हैं हिंदीतर भाषा भाषी, तो उसमें जो साहित्य के जिज्ञासु रहते हैं कि किस प्रकार के साहित्य विद्यमान है हिंदी साहित्य में, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ व्याख्यान दिए थे और उसे ही बाद में संशोधित करके परिवर्तित करके हिंदी साहित्य की भूमिका नाम का ग्रंथ तैयार किया गया था। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है यहां पर है जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम यदि देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो इन पंक्तियों में
आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। तो पर हम जिन बातों पर चर्चा कर चुके हैं वो यहां पर रिपीट किया गया है। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनकी महत्ता के बारे में लिखा हुआ है कि ये कितने महत्वपूर्ण विद्वान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर चर्चा करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहां तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि एकमात्र ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को, उनकी स्थापनाओं को चुनौती देने का प्रयास किया और अपने तर्कों के द्वारा उन और प्रमाणों के आधार पर उनकी स्थापनाओं को खंडित भी किया, उनको गलत साबित किया। और इनमें जो ऐतिहासिक चेतना विद्यमान है, इतिहास का जो ज्ञान है, भारतीय परंपराओं का जो ज्ञान है, परंपरा का जो बोध है, उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार माने जा सकते हैं, ये इनका कहना है। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था और यह उन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की गई। विकासवादी सिद्धांत मतलब किस प्रकार से हमारा जो इतिहास है हिंदी साहित्य का धीरे 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 विकसित होता गया, डेवलप होता गया और आज हमें इस रूप में मिला, इसकी उन्होंने नई प्रकार से व्याख्या की है। और लेखक का कहना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का बहुत जाने माने विद्वान है, विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान हुआ है, रिसर्च हुए हैं, जिनमें जिनसे क्या फायदा हुआ, बहुत सारे नए तथ्य और नए निष्कर्ष में प्राप्त हुए हैं जो कि आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। बाद में हिंदी साहित्य में जब रिसर्च चालू हुआ, गहन अनुसंधान किया गया, तब पता चला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी स्थापनाएं और मान्यताएं गलत हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन शोध निष्कर्षों के अनुरूप हम इतिहास का नवीन रूप में प्रस्तुत करें और पुरानी मान्यताओं से चिपके न रहें। ठीक है, निश्चित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विद्वान हैं, जाने माने विद्वान हैं, लेकिन उनकी कही हुई हर बात सत्य हो यह भी जरूरी नहीं है, बल्कि हमको उस पर प्रॉपर अनुसंधान करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है और रिसर्च के आधार पर जो हमको निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया जाए और हिंदी साहित्य के इतिहास को नए सिरे से पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया जाए, नए ढंग से लिखने का प्रयास किया जाए, इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए, ऐसा इनका मानना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए शुक्ल जी के काल विभाजन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया तथा इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में प्रारंभिक, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, मैं आपको पढ़कर निकल जाऊंगा। प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत वे 3-3 प्रकार के काव्यों की रचना का स्वीकार करते हैं। प्रारंभिक काल मतलब आदिकाल और मध्यकाल में 3 प्रकार की रचना है इनके हिसाब से, धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य। धर्माश्रित मतलब धर्म पर आधारित, लोकाश्रित मतलब लोक पर आधारित, जनश्रुति पर आधारित और राज्याश्रित मतलब राज्यों के जो चारण वगैरह जो रहते थे, राज्यों में जो रहने वाले कवि थे, राजा के ऊपर जो आश्रित थे उनके द्वारा लिखे गए काव्य। और धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत वे 5 काव्य परंपराओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा। धार्मिक रास काव्य परंपरा में जैन कवियों के द्वारा लिखी हुई रचनाएं आ सकती हैं, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा। इसी प्रकार राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत वे 5 काव्य परंपराओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा और शास्त्रीय परंपरा। और लोकाश्रित के अंतर्गत वे केवल 2 काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। तो इसी प्रकार उन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है। और इनका मानना है कि आधुनिक काल का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, इस प्रकार इसमें किसी प्रकार की काव्य परंपराओं का समावेश नहीं किया जा सकता। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो अनेक मान्यताएं हैं, जो स्थापनाएं हैं, उनका निर्भीकता से उन्होंने खंडन किया है। और केवल खंडन ही नहीं किया बल्कि अपने तथ्यों को, अपने निष्कर्षों को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में उनके द्वारा रचित
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुआ। और इसकी क्या खासियत है वह यहां पर हम देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो स्थापनाएं प्रस्तुत की गई थी, जो मान्यताएं प्रस्तुत की गई थी, उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत परिवर्तन करने का बहुत ही सफल प्रयास किया। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है इसे तीन भागों में विभाजित किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांत, मतलब कैसे वह विकसित हुआ, जैसे हम डार्विन का विकासवाद पढ़ते हैं वैसे ही, विकासवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए और उसके आलोक में उसको ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास की नूतन व्याख्या, नई व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा उन्होंने की, उसका प्रयास किया। अब अभी हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं वह आपको खरीदना बहुत ही जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने, और यह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये दो किताबें आप जरूर खरीदें, इसको जरूर पढ़ें। तो डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया। यह बहुत मोटा ग्रंथ है, आपने देखा होगा, बहुत मोटी किताब है यह, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में यह प्रकाशित हुई है। इसमें 26 विद्वानों ने अपने अलग अलग लेख लिखे हैं। दूसरा, इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई है, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व इससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। अब इसमें 26 विद्वानों ने इसको लिखा है, उनका सबका अपने अपने नजरिए से देखा है उन्होंने इतिहास से, इसलिए केवल एक ही प्रकार का दृष्टिकोण है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विधेयवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, वैसा दृष्टिकोण यहां पर दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी 26 बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें अपने लेख लिखे हैं। अपने दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित और विवेचित करने का प्रयास किया है, तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है और छात्रों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही प्रचलित है। इसके बाद यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह किताब आपके पास होना ही चाहिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और यह प्रकाशित हुई 1986 ईस्वी में। इसको अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में यह व्यास सम्मान से पुरस्कृत कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और यह अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके बाद आचार्य जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी जो है वे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही दृष्टिकोण से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। तो यद्यपि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से इन्होंने इसको लिखा हुआ है, उनके दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो युगीन दृष्टिकोण है, जो तत्कालीन परिस्थितियों से वे प्रभावित होकर लिखते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा को प्रधानता देते हैं, इन दोनों का समन्वय करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके बाद शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता कम नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया गया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो स्थापनाएं दी हैं, जो अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, जो मान्यताएं प्रस्तुत की हैं, उसका इन्होंने अपने लेख में, अपने इस किताब में उनका समर्थन करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनर्परिभाषित किया है, पुनर्लेखित किया है। और भाषा और साहित्य में क्या गहरा संबंध होता है, भाषा और साहित्य में कितना गहन संबंध होता है, उसका खोज इनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्य परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यायित किए गए, मतलब इन्होंने साहित्य और भाषा में कितना गहन, कितना गंभीर और कितना निकट संबंध होता है, इसको इन्होंने परिभाषित करने का और उसकी व्याख्या करने का सफल प्रयास किया है। और अपने समीक्षात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ को की व्याख्या की है और उसको पुनर्परिभाषित किया है। और एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास संपादित नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में, कुछ किताबों में 18 खंडों में भी मिलता है, लेकिन मैंने जिस किताब से लिया है उसमें 16 खंड लिखा हुआ था। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। 16 खंडों में बहुत बड़ा, मतलब वृहद है, यह रेफरेंस बुक है। यह विशाल ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर शताधिक लेखकों, 100 से भी अधिक लेखक इसमें शामिल हैं, इनके सामूहिक प्रयास का यह प्रतिफल है। और इसका प्रत्येक खंड, 16 खंड है जिसमें अलग अलग खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार करवाया गया है, अतः शैली की एकरूपता नहीं रह पाई है।
प्रत्येक विद्वान का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है, इसलिए एक जैसी शैली में इसे नहीं लिखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस लेखन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमको इस किताब को लिखना है 16 खंडों में। इस इतिहास का स्थूल ढांचा जो बाहरी ढांचा है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। अतः मूल ढांचे में जो गुणदोष है इसमें व्याप्त रहना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कमियां पाई गई है, जो अच्छाई पाई गई है, उसको भी इसमें देखा जा सकता है। इस ग्रंथ की योजना हिंदी साहित्य के इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर उसे श्रृंखलाबद्ध कर देने हेतु की गई है। तो वास्तव में इसका निर्माण क्यों किया गया है? हिंदी साहित्य की जो बहुत सारी रचनाएं हैं, जो बहुत सारे कृतिकार हैं, जो रचनाएं इधर उधर बिखरी हुई हैं, वो सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके रेफरेंस बुक का शक्ल देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। परंतु अपने विशाल आकार, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, इसके कारण यह पाठकों और जिज्ञासुओं के लिए अधिक सुविधाजनक तो नहीं है, किंतु एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसकी उपयोगिता निर्विवाद रूप से स्वीकार की गई है। मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें लिख दी गई हैं, तो आपको रिफर करना अगर कोई चीज तब जाकर तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए पाठकों और जिज्ञासियों के लिए बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने में आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसका जो महत्व है वह सर्वोपरि है। अब हम निष्कर्ष के रूप में क्या कर सकते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यह परंपरा निरंतर जारी है। आज भी नए नए हिंदी साहित्य के साहित्यकार आ रहे हैं, वे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं। कुछ विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास समग्र रूप से लिखा है और कुछ विद्वानों ने किसी विशेष कालखंड के ऊपर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है और कुछ विद्वानों ने किसी खास पक्ष के ऊपर अपनी किताबें लिखी हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और कुछ विद्वानों ने अनेक शोध प्रबंध और रचनाएं भी प्रस्तुत किए हैं जो अनेक विवादास्पद प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हुई है। तो वास्तव में आजकल जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है वह अनुसंधान के रूप में लिखा जा रहा है, क्योंकि नई नई चीजें हमको पता चल रही है अनुसंधान के द्वारा, उसके आधार पर उसे हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप दे दिया जा रहा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य की जो परंपरा है इतिहास के लेखन की वह निरंतर जारी है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बड़ा ही थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यदि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही से अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।